पगंडी हाय 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 नमस्कार। फिलहाल कैथल के सेक्रेट से लाइव जुड़ चुका हूं और जोधपुर में जहां 8 से 10 साल बच्चे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सुरभ जुलम इतना था कि एक मास्टर के मटके से पानी पिया गया था, लेकिन उस बच्चे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आज इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिवक्ता है रजत गंगा लोग पहुंचे हुए हैं और तमाम लोग इस समय प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ज्ञापन देने के लिए जो है वो सचिवालय में पहुंचे। लेकिन क्या कुछ रहा उस बारे में जानेंगे। रजत कंसल अधिवक्ता हमारे साथ, इनसे जानते हैं। रजत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किन मामले को लेकर आज ज्ञापन दिया जा रहा है? देखिए, राजस्थान की जो हृदय विदारक घटना है, जो एक 9 साल के बच्चे का उसके स्वर्ण टीचर ने बुरी तरह केवल इसलिए मर्डर कर दिया कि क्योंकि उसने स्कूल में पानी पीने के मटके को छुआ था, उस मामले में हमने कल एक कॉल दी थी कि कैथल में हम डीसी साहिबा को राष्ट्रपति साहब के नाम ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में राजस्थान की गहलोत सरकार को बर्खास्त करने की मांग रखेंगे। लेकिन हमारे लोग सुबह से यहाँ पर इकट्ठे हैं, हमारे लोगों ने इनको, जो यहाँ के सीआईडी के लोग हैं, इनको पहले से ही कहा था कि हम डीसी साहब से मिलेंगे। डीसी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने कहा था कि आपको मिलाएंगे हम डीसी से, और इन्होंने ये भी कहा था कि डीसी साहब नीचे आके आपका ज्ञापन ले लेंगे। हम लोग बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से हैं यहाँ पर और शांतिप्रिय तरीके से राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर आए और इन्होंने अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए और यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए। बैरिकेड्स लगाने के बाद यहाँ पर एक तहसीलदार को यहाँ पर भेज दिया है। वो तहसीलदार आते ही यहाँ पर हमको कानून सिखाने लग गया कि डीसी साहब नहीं आ सकती। पहले तो कहा डीसी साहब नहीं आ सकती, फिर कहा 5 आदमी मिलाओ, और फिर कहा डीसी साहब यहाँ पे है ही नहीं। और उसके बाद ये जो पुलिस वाले लगा रखे हैं, ये सारे के सारे पुलिस वाले, हम जितने भी यहाँ पे प्रदर्शनकारी आए हुए, हमसे बदतमीजी हाथापाई कर रहे हैं ये सारे के सारे लोग। तो जो राजस्थान की सरकार है उसका रवैया तो सबको पता है किस तरह से उसका रवैया है, लेकिन यहाँ पर जो खट्टर सरकार और यहाँ की डीसी जो शांतिप्रिय तरीके से ज्ञापन सौंपने वालों के साथ जो व्यवहार कर रही है, ये इनके लिए भारी पड़ेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर डीसी साहब ने आज हमारा ज्ञापन नहीं लिया तो हम है ना यहाँ पर 3 दिन बाद फिर दोबारा बड़ी कॉल देंगे और इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे कि इस डीसी को यहाँ पर है ना लाइन ऑर्डर संभालना मुश्किल हो जाएगा। रजत कंसल जी, आप लगातार लोगों की आवाज़ उठाते रहे, दलित वर्गों की काफ़ी आवाज़ आपने उठाई है, काफ़ी मामलों में आप आगे बढ़ चढ़कर भाग भी लिया है। कौन सी जिम्मेवार आप समझते हैं, क्या किन लोगों की मानसिकता ऐसी समझते हैं जो जोधपुर राजस्थान में जिस तरीके घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, जो घटना घटना वहाँ पर हुई है राजस्थान के जालौर जिला में, उसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार की और राजस्थान की राज्य सरकार की जो दलित विरोधी नीतियाँ हैं वो बिल्कुल जिम्मेदार हैं। SC ST एक्ट में सच्ची घटनाओं पर मुकदमे दर्ज होते हैं, बच्चियों के साथ रेप होते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, हत्याएं होती हैं, सोशल बॉयकॉट होता है, पुलिस FIR तक दर्ज नहीं करती। FIR दर्ज करने के लिए भी हमको धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं और FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस प्रशासन सरकार सीधा सीधा आरोपियों का पक्ष लेते हैं, जिसके चलते वो कानूनी प्रक्रिया से बच जाते हैं और उनके हौसले बढ़ते हैं और फिर इस तरह की घटनाएं जो जैसी जालौर में ही ये घटनाएं अंजाम में आती हैं, और इसके लिए पूरी तरह से पुलिस सरकार और जो सरकारें हैं राज्यों की वो जिम्मेदार हैं। और हरियाणा सरकार कोई इस मामले में दूध की दली हुई नहीं है। हरियाणा में हर रोज 3-4 केस एट्रोसिटी के रिपोर्ट हो रहे हैं और हम ये भी मांग करते हैं कि इस खट्टर को भी यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए। कंसल साहब, जिस तरह से आप खुद वकील हैं तो जिस तरह से कानून आपको सिखाने आए थे, क्या मानते हैं कि शांतिप्रिय ढंग से जब आप ज्ञापन देने जा रहे हैं तो ज्ञापन ले लेना चाहिए था? देखिए, जिस तरह से पुलिस कार्रवाई, हम सैकड़ों ज्ञापन दे चुके हैं पूरे हरियाणा में पिछले 10 सालों में। DC हमारे ज्ञापन लेने आते हैं, SP हमारे ज्ञापन लेने आते हैं और कई जगह पर कैबिनेट मंत्री तक हमारे ज्ञापन लेने के लिए आए हैं, और यहाँ पर एक तहसीलदार को भेजकर हमारे समाज की बेइज्जती करने का काम भी प्रशासन कर रहा है और हम इसे कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। तो जैसे बैरिकेड लगा दिए गए, पुलिस वाले से बातचीत हुई हो, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया और आपके द्वारा क्या कुछ? पुलिस वाले हमको धमकाने का काम कर रहे हैं, वो हम पर हमलावर हैं,
वो हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, तुम्हारे ऊपर झूठे केस बनाएंगे, और इनको पता नहीं है हम ऑलरेडी दो दो दर्जन केस खाए बैठे हैं जितने भी यहाँ पर लोग हैं। इन केस से, लाठी चार्ज से, मारपीट से हम कतई घबराने वाले नहीं है जो ये धमकियाँ दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन को साफ तौर पर रोष में देखा जा सकता है, क्योंकि मात्र 5 मिनट का जो काम उपायुक्त महोदय को नीचे आकर ज्ञापन लेना था, वो ज्ञापन तो नहीं लेने आए, लेकिन अधिकारी जो यहाँ पहुंचे थे वो कहने की कानून जरूर यहाँ पर झाड़ते हुए नजर आए, लेकिन साफ तौर पर मांगे कि उपायुक्त महोदय जब तक ज्ञापन लेने नहीं आएंगे, जब तक इनका ज्ञापन नहीं लिया जाएगा तब तक यहाँ पर नारेबाजी करते रहेंगे। लेकिन साफ तौर पर एक लाइन ऑर्डर की व्यवस्था अगर अधिकारियों को बनानी चाहिए तो 5 मिनट का समय इनका रहता है ज्ञापन लेने में, आप नीचे आएँ ज्ञापन ले और ये अपने घर चले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी भी जिम्मेवार होते हैं जब इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब होती है, तो ऐसे अधिकारियों को भी एक अपने चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे। मैडम जी, आप भी जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अगर सही रखनी है, सुदृढ़ करनी है, तो आप इन लोगों का ज्ञापन ज़रूर लें। और इन लोगों का ही नहीं, जो भी व्यक्ति ज्ञापन देने आता है, जो भी अपनी मांग पत्र लेके आता है, तो उनका मांग पत्र लेकर उनको फारिग करने का काम करें, क्योंकि घटना बड़ी है, बड़ी निर्मम घटना जो है वो देखी गई है राजस्थान में, जहाँ 9 साल का एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, गलती क्या थी, सिर्फ एक मटके से पानी पीने का जुर्म उसने किया था, क्या इसे जुर्म आप लोग समझेंगे? आज के दौर में सम्मान, जो भाजपा सरकार है सम्मान विकास की बात करती है, मान सम्मान देने की बात करती है, तो क्या इस तरह का केंद्रीय सरकार काम कर रही है? लेकिन राजस्थान की सरकार को भी ध्यान में, जो गहलोत सरकार है वो भी ध्यान में रखे इस चीज को, कि एक तरफ जिसके परिवार का लाल बिछड़ गया, जिसके परिवार के लाल की हत्या कर दी गई और उसी के ऊपर लाठी चार्ज जो है वहाँ किया गया, एक तरह से ये देख सकते हैं इस समय मौके पर धरने पर जो है वो बैठ चुके हैं, एक तरफ बैरिगेटिंग जो है वो की हुई है, एक तरफ पुलिस प्रशासन जो है वो बैरिगेट कर इनको रोकने का काम कर रहा है, लेकिन वहीं पर अब तपती धूप के अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो समाज के लोग हैं वो इस समय धरने पर जो है वो बैठ चुके हैं। लोगों से और सही बात कर लेते, क्या कुछ कहना है सर, क्या कहना चाहेंगे और ज्ञापन देने पहुंचे तो किस तरह की व्यवस्था देखी सर? जैसे हमारे सारे साथी आज हम राजस्थान में जो दुर्घटना हुई है, हमारे समाज के साथ जो नाइंसाफी होती है, हर दिन हमारे भ्रष्टाचार होते हैं, उसकी एवज में हमारे जो साथी लोग हैं शांतिपूर्ण धरना देने के लिए आए थे और ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, शांतिपूर्ण धरना चला हुआ है, ज्ञापन सौंपना चाहते हैं बड़े प्यार से, लेकिन जो कुछ हमारे पुलिस यहाँ पर जो जिम्मेवार लोग यहाँ पर खड़े थे, हमें DC साहब से मिलने नहीं देते, और कभी कहते हैं कि 5 आदमी मिल लो, और कभी कहते हैं कि DC साहब यहाँ पर है नहीं है, और आपने ज्ञापन सौंपना है तो तहसीलदार को सौंप दो और यहाँ से चले जाओ। कंसल साहब, जब 5 लोगों को मिलने के लिए बुलाया जा रहा है, तो 5 लोग जाकर ज्ञापन दे सकते हैं, बात रख सकते हैं, क्या इस तरह की व्यवस्था नहीं बनाई जा रही? देखिए, हम संगठनों के ज़्यादा लोग हैं, अलग अलग संगठनों के लोग हैं, और सभी संगठन ये चाहते हैं कि आजकल सभी को पता है कि उपायुक्त हो चाहे SP हो, सभी एक पब्लिक सर्वेंट होते हैं, और क्या एक SP या DC 2 मिनट के लिए फर्स्ट फ्लोर से नीचे आने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आके हमारा ज्ञापन लेके चले जाएं? इसमें हम ना तो किसी का अपमान कर रहे हैं, ना किसी की वो मांग कर रहे हैं, कोई नाजायज मांग कर रहे हैं, हमारी केवल इतनी मांग है, सभी जितने भी साथी आए हुए हैं सबका मान सम्मान रह जाए, और 5 साथी बन के चला जाएंगे तो बंद कमरे में जो बैठकें होती हैं उसका एक गलत संदेश जाता है, इसलिए हम इस चीज से बचना चाह रहे हैं कि 5 लोग जाएं। तो अब जैसे प्रशासन से अभी वार्तालाप नहीं है, तो आगे आगामी क्या रणनीति बनाई गई है? आगामी रणनीति हमारी ये है सर, कि हम जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो और खुफिया एजेंसी के लोग हैं, हमारा अब भी इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मामले में हमारा DC साहब को हमारा संदेश दें, वो आके हमारा ज्ञापन ले लें, चाहे यहाँ पे ले चाहे हम वहाँ पे चले जाएं, हम जाके इस ज्ञापन देके अपने अपने घर चले जाएंगे, और जो संविधान के प्रति जिम्मेदारी है हम वो पूरी करना चाहते हैं। उपायुक्त महोदय नहीं आते हैं तो कोई और अधिकारी आता है तो ज्ञापन दिया जाएगा? अधिकारी तो ये आए हुए हैं, लेकिन ये अधिकारी तो इस तरह के एटीट्यूड से बात कर रहे हैं जैसे हम है ना कोई फोर्थ क्लास, इनके अधीन कोई फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं, और इस तरह से हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से तो हमारी लड़ाई इसी चीज़ के खिलाफ है। तो उपायुक्त महोदय, ये इन अधिकारियों के अलावा कोई और अधिकारी आता है तो क्या ज्ञापन उनको दिया जाएगा, उनके सामने बात रखी जाएगी अगर उपायुक्त महोदय नहीं पहुँचते हैं तो? देखिए, उपायुक्त महोदय यहाँ लघु सचिवालय परिसर में मौजूद हैं जैसी हमारी जानकारी है, अगर उपायुक्त महोदय आ जाए तो सबसे अच्छी बात है। चलिए, फिलहाल एक ही मांग है कि उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देना है, लेकिन साफ तौर पर जो रवैया पुलिस प्रशासन का, जिस तरह से जो अधिवक्ता है रजत कंसल उनके द्वारा कहा गया, और जो अधिकारी ज्ञापन लेने के पहुंच लिए आए थे उनका जो रवैया देखा, कहीं ना कहीं उस रवैये से खफा है। अब साफ तौर पर ये मांग है कि उपायुक्त महोदय आएँ और इनका ज्ञापन लें, क्योंकि
लगा हरियाणा में हर ज़िले में इस तरह का विरोध प्रदर्शन उस घटना को लेकर जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि अब यह धरना कब उठेगा या उपायुक्त महोदय आकर इनका ज्ञापन लेंगे।